वेलकम बैक टू रूमीज ब्लॉग। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको देने जा रही हूँ अपनी इस वॉशिंग मशीन का रिव्यू। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मैं किसी ब्रांड का ये प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। कभी आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाएँ कि मैंने प्रमोशन किया है, ये मशीन मुझे फ्री पड़ गई, मैंने पैसे लिए हैं। ये मशीन मेरे पास तब से है जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं किया था। तो आज मैं आपको देने जा रही हूँ अपनी बॉश की वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का रिव्यू, जो ये 8 kg में है। और अगर आपके घर में 5 to 6 मेंबर हैं तो ये आपके लिए सफिशियंट है 8 kg। और इसमें हमें 15+ वॉशिंग प्रोग्राम मिलते हैं। और सबसे जो इसका अच्छा फीचर है वो है इसका एंटी बैक्टीरिया फीचर, जिसमें कि आपके जो कपड़े हैं वो बॉश क्लेम करता है कि 99.99% आपके जो कपड़े हैं वो डस्ट फ्री और बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं और एक शानदार वॉश हमें मिलता है। उसके बाद जो आपका इसका आ जाता है ड्रम, ये स्टेनलेस स्टील का ड्रम है इसका। और अदर ब्रांड्स के मुकाबले ये 10 to 15% इसका ड्रम बड़ा है, और मशीन के मुकाबले इसका ड्रम आपको बड़ा मिलेगा। और जितनी भी ब्रांड्स हैं उनकी वॉशिंग मशीन 60 kg के आसपास की होती हैं, लेकिन जो बॉश की वॉशिंग मशीन है ये 70 to 75 kg तक इसका वेट होता है। और वेट ज़्यादा होने की वजह से इसमें वाइब्रेशन कम होता है, और वाइब्रेशन कम होता है तो इस मशीन की लाइफ जो है वो और बढ़ जाती है हमारी। उसके बाद जो आप ये साइड का इसका डिज़ाइन देख रहे हैं मशीन का, ये आपको किसी और मशीन में नहीं मिलेगा। ये बॉश का पेटेंट है और ये एक तरीके से इसकी एंटी वाइब्रेशन वॉल है। और इसमें मुझे कलर्स का तो इसका नहीं पता है कि इसमें और कौन कौन से कलर आते हैं। मेरे पास तो बस यही दिखाया गया था, मेरे पास यही ऑप्शन था। तो मुझे लग भी रहा था कि ये कलर इतना लाइट है गंदा हो जाएगा, लेकिन अब इस मशीन को 2 साल होने वाले हैं लेकिन ये एज इट इज़ है और बहुत ही प्यारी लगती है ये मुझे मशीन। और इसमें हमें मिलता है 5A का पावर, इस मशीन में हमें मिलता है 5A का पावर। और इसमें जो फर्स्ट ए आता है वो है इसका एंटी वाइब्रेशन। इस मशीन में वाइब्रेशन जो है वो ना के बराबर हुआ है। और जो इसका सेकंड पावर आता है वो है इसका एंटी टेंगल टेक्नोलॉजी, जिसमें कि कपड़े आपस में जब वॉश होते हैं तो आपस में उलझते नहीं हैं, जब उलझते नहीं हैं तो हमें निकालने में वो इजी रहते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो पहली मेरी मशीन थी उसमें कपड़े आपस में उलझ जाते थे और खींच खींच के अलग करके निकालने पड़ते थे। और जो इसका थर्ड पावर आता है वो एंटी रिंकल पावर है इसका, जिसमें कि आपके कपड़ों में सिलवटें ना की बराबर आती हैं, रिंकल फ्री कपड़े निकलते हैं आपके। और उसको फिर जब आप रिंकल फ्री होते हैं तो प्रेस करने में भी इतना भारी नहीं लगता है, इजिली प्रेस हो जाती है उस पर। फोर्थ पावर आती है इसकी एंटी बैक्टीरिया के, जिसमें कि आपके जो कपड़े हैं वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है और उसके कपड़े धुलने हैं या आपके अंडर गारमेंट्स धुलने हैं तो इस मोड पर आप धोकर उन्हें बैक्टीरिया फ्री कर सकते हैं। फिफ्थ पावर आती है हमारी एंटी स्टेन पावर, जिसमें कि ऑयल, टी, कॉफ़ी, जितने भी इसके स्टेन हैं आप उनको हटा सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब हम इस मशीन को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही मशीन ऑटोमेटिकली इसका डोर जो है वो लॉक हो जाता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये डर नहीं रहता कि बच्चे इसका डोर ओपन कर लेंगे। उसके साथ ही साथ इसमें चाइल्ड लॉक भी दे दिया गया है कि अगर आप चाइल्ड लॉक को ऑन कर देते हैं तो बच्चे अगर किसी फंक्शन में इसको छेड़छाड़ भी करते हैं तो कोई भी फंक्शन इसका काम नहीं करेगा। इसकी मोटर पे हमें मिलती है 12 इयर्स की वारंटी। तो मेरी नज़र में तो ये मशीन वाकई ही मशीनों की रानी नहीं महारानी ही है, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है। इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसका जो अगर किसी पार्ट कोई पार्ट इसका ख़राब हो जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो इसके बाहर से आते हैं। तो बस इसकी यही एक माइनस पॉइंट है। और हमारी सिटी में तो इसका सर्विस सेंटर भी नहीं है, बरेली में ही है। तो बाकी मैं इस मशीन को 100/100 ही दूंगी, बस एक ही पॉइंट की कमी है इसमें, बाकी तो वाकई ही ये महारानी ही है। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये मशीन कैसी लगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।